अक्रॉस मेनी डिफरेंट जेनरेशन सीरीज में एनिमे का ही पावरफुल वेपन को जन्म दिया है। ये कोई शॉर्ट तो नहीं है मगर बहुत फेमस है। हर एक शाही काम के लिए शाही वेपन जरूरी है। एनिमे का कैरेक्टर के पास जितने पावरफुल एंड आइकोनिक वेपन है वो सब अपने आप में ही एक यूनिक वेपन है और समटाइम्स स्ट्रॉन्ग ट्रेंज एंड डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटीज रखता है। हर एक गुड कैरेक्टर के लिए गुड वेपन दिया है एनिमे ने। तो बिल्कुल टाइम ना गवाते हुए चलिए हम एनिमे का 10 सबसे डिस्ट्रॉयर वेपन के बारे में जान लेते हैं। चलिए मिलते हैं इंट्रो के उस तरफ। निकोलस डी वुल्फुट का हथियार है पानीसर। इस विशालकाय क्रॉस शेप्ड बंदूक में एक मशीन गन, एक रॉकेट लॉन्चर और दुश्मनों के साथ लड़ाई करने के लिए और भी साइड आर्म्स गैजेट स्टोर किया गया है इस हथियार पानीसर में। पानीसर को देखकर ये साफ हो जाता है कि पानीसर के पास वो सब कुछ है जो वुल्फुट को एक पूरा आर्मी बनाने के लिए चाहिए और इसमें इनफ फायर पावर है। जाहिर है वुल्फुट को छोड़कर त्रिगुण में बहुत सारी पानीसर है। हालांकि अभी तक सिर्फ 10 लोगों को ही दिखाया गया है मगर उन सब में से सबसे बेस्ट है वुल्फुट। पानीसर को चलाने में बहुत सारे ताकत लगता है क्योंकि एक पानीसर बहुत सारे हथियारों से लैस होता है। कोटेकियो हिटमैन रिबॉन के शुरू में सुना ने डाइनिंग व्हील बुलेट्स के पावर का इस्तेमाल करके फ्लेम ऑफ डेस्परेशन को जगाने के लिए चाइनाल के पावर को इस्तेमाल किया लेकिन ये एक बेकाबू फ्लेम थी जिसे कंट्रोल करने का जरूरत था। यही पर एक्स ग्लाफ का जन्म हुआ कि ये ग्लाफ्स पहले मामूली मीटियन के एक जोड़ी ग्लाफ दिखाया गया था। कौन सोच सकता था कि ये ग्लाफ्स पहले एक मामूली ग्लाफ्स दिखाया गया था बाद में ये एनिमे का 10 सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन में से एक बन जाएगा। ये ग्लाफ सुना के भाइंग व्हील पावर्स के इस्तेमाल के साथ गन प्लेट में बदल सकता है जिससे उनकी ताकत स्पीड और स्टैमिना बहुत बढ़ जाता है। ये ग्लाफ सुना को अपने एबिलिटी बहुत बहुत बढ़ाने के अलावा ऑफेंसिव चाल के लिए उसका व्हील पावर को इस्तेमाल करके पावर भी देता है। जैसे जैसे ये एनिमे आगे बढ़ता है सुना के एक ग्लाफ को काफी बार अपग्रेड किया गया है और जिससे सुना को नए नए अटैक और शील्ड भी मिला है। डेथ वेपन मिस्टर एकेडमी में काई जोड़ी है। मिस्टर एकेडमी सोल ईटर एनिमे में एक स्कूल का नेम है। ये कोई ऐसा वैसा स्कूल या मामूली स्कूल नहीं है, ये सुपर हीरोज की स्कूल है। चलिए ये सब बात छोड़िए और हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आपको माका एल्वान और उसका हथियार पार्टनर सोल ईटर इवेंस इन दोनों का ऐसा स्ट्रॉन्ग जोड़ी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा डिमांड हथियार के रूप में। सोल ईटर इवेंस माका के लिए एक युद्ध में योद्धा बन सकता है और उसका हथियार रूप सबसे ताकतवर दुश्मनों को भी आसानी से हरा सकता है। एक साथ माका और उसके सोल ईटर इवेंस अनगिनत दुश्मनों को एक साथ हरा सकता है और एल्ला सोल ईटर इवेंस और भी पावरफुल अटैक और उड़ने के एबिलिटी से सबसे ताकतवर डेथ पावर बन गया था। सोल रेजोनेंस और ब्लैक ब्लड आर्म्स के साथ उसकी शक्ति और भी बढ़ गई जहां उनकी सबसे पावरफुल अटैक करके सभी बुरे चीज को शूट कर सकता है। साइकोपास के डोमिनेटर शायद पहले से बताए गए पानीसर के तरह विशाल थोपने वाले हथियार नहीं हो सकता है लेकिन ये इस बात का सबूत है कि बड़े हमेशा बेहतर नहीं होते और बड़े चीज छोटे पैकेट में भी आ सकता है। इस फ्यूचरिस्टिक गन पब्लिक सेफ्टी ब्यूरो के इंस्पेक्टर और इन्फोर्सर्स के लिए दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग वेपन है। इस वेपन का इस्तेमाल करके कोई भी जगह स्कैन करा जा सकता है। सिविल सिस्टम मोरल गैंग्स को बात दिया जाए तो डोमिनेटर एक वेरी वर्सेटाइल वेपन्स है। ये वेपन्स अपने टारगेट को कभी भी नहीं चूकता। ये वेपन्स बहुत दूर से ही अपने टारगेट को निशाना कर सकते हैं और इस गन का एक और खासियत है कि इस सबसे स्ट्रॉन्ग सेटिंग पे किसी आदमी या कोई चीज़ को ये वेपोराइज कर सकता है और इसका कम पावर में कोई आदमी या कोई लोगों को डराने के काम आता है। द सेवन डेडली सिंस एनिमे में महान लेजेंडर नाइट ओके टीम में बहुत सारे शक्तिशाली और मजबूत मेंबर्स है और जिसमें से हर एक के पास
अपने सिग्नेचर एबिलिटीज है और उन्हें बढ़ाने के लिए हथियार है। किंग यानी प्रेजेंट में फेरी किंग उनके हथियार स्पीड स्पियर चेस्टेफेल अपने आप में एक लौता है। चेस्टेफेल किंग के दुश्मनों को उनके बिना भी हरा सकता है और जब चाहे अपना रूप भी बदल सकता है। जैसे कि चेस्टेफेल एक चाकुओं की झुंड बन सकता है, एक बैरियर कवच का एक सूट, एक अटैक करने वाला टेडी बियर और एक बड़ा सूरजमुखी कैनन भी बन सकता है। चेस्टेफेल अपने रूप के बीच किसी और आसान रूप में भी स्विच कर सकता है और जब भी किंग को जरूरत पड़ता है तो चेस्टेफेल को अपग्रेड या मॉडिफाइड करता है नया भर्सन के साथ। ट्रू स्पिरिट स्पीयर एंड न्यू ट्रू स्पिरिट स्पीयर इसका अपडेटेड भर्सन के नाम है। राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो एनिमे में सबसे ज्यादा डिस्क्राइब्ड किया गया है और लेजेंडरी चार कैडियल हथियार में से ध्यान दिया गया है नोभूमि के शील्ड को, जिससे बाकी तीन हीरोज काफी ज्यादा नफरत करने लगा। पहले बार में ये अटैक करने के लिए सबसे बढ़िया हथियार नहीं था। नोभूमि ने हर एक लड़ाई के साथ अपने शील्ड को थोड़ा काम करा के परफेक्ट बनाया और जब तक कि ये सिर्फ एक डिफेंस वेपन से ज्यादा कुछ नहीं बन जाता। नोभूमि इस शील्ड को विभिन्न रूप में बदल सकता है, जिसमें से हर एक डिफेंस मोबिलिटी शामिल है और यहां तक कि ये डिफेंस के साथ साथ ऑफेंस भी कर सकता है। और नोभूमि इसकी बहुत सी पावर अनलॉक किया है, जिससे ये शील्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन गया था। स्कनर के फिजिकल स्ट्रेंथ पहले से ही अपने आप में ही काफी इम्प्रेसिव है, इसलिए सेवन डेडली सिंस के लायन सिन ऑफ प्राइफ एक्सनर को किस तरह के हथियार जरूरत होगा सोचने लगा। आखिर एक्सनर को अपने पवित्र खजाना डिवाइन एक्स रीटा देता है। रीटा एक्सनर के लिए बेस्ट पार्टनर है। एक्सनर अपने मैजिकल पावर को रीटा में ट्रांसफर कर सकता है और अगर कोई स्पेशल अटैक करता है तो उस स्पेशल अटैक को नष्ट करने के लिए रीटा एक्सनर को एक इन्फो भेजता है। रीटा आकाश रोशन करने के लिए रीटा पावर इस्तेमाल करता है, जो रात होने पर भी दिन के तारा का सबसे पावरफुल अटैक द इंटेनेंस हीट रीटा एक्सनर का पावर एब्जॉर्ब करके सन के सतह से ज्यादा भी गर्मी पैदा कर सकता है कोई भी जगह में। आइनस ओल गाउन वे खजाना था जो नाजरिक के महान मकबरे का प्रतिनिधित्व करता था। मोमोंगा उस गिल्ड का उपस्थापना किया करता था। न्यू वर्ल्ड में लाए गए मोमोंगा जो खुद को एक आइनस ओल गाउन कहता है, आखिरकार इसे एक पिन के लिए बाहर ले जाने में सक्षम हो गया। आइनस को सिर्फ एक स्टाफ इस्तेमाल कर सकता है और बहुत स्ट्रॉन्ग मंत्र जो कि साथ मैजिकल जेम स्टोन में है। वो मैजिकल पावर उस टाइप के काम को करने में सक्षम है, जैसे सामोइंग स्पिरिट को बुलाना, धरती को बीज में से अलग करना, गिरे हुए स्पिरिट को फिर से बचाना और भी बहुत कुछ। ये किसी भी जादू टोना करने वाले के लिए एक पावरफुल स्टाफ होगा और जादूगर राजा के लिए अचूक हथियार होगा। केलर सेंसियो के पास वैसे तो कई सारे टूल्स एंड एबिलिटीज है जो उन्हें बुरे ताकतों से लड़ने में मदद करता है, लेकिन सेलर सैटर्न की साइलेंस ग्लेव सुपर टॉप लेवल का हथियार है और ये अपने आप में ही एक लौता है। इस हथियार में प्योर डिस्ट्रॉय का पावर है। सेलर सैटर्न इस हथियार का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा एक प्लानेट चुटकी में मिटा सकता है और ऐसा कि अस्तित्व से अपने लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम भी है ये हथियार। साइलेंस ग्लेव पूरे सिविलाइजेशन को अपने घुटनों पर ला सकता है सिर्फ एक सिंगल स्विंग से, जिसमें ये विनाशक पावर है ये एक मूल्य के साथ आता है। हालांकि साइलेंस ग्लेव को अपने पावरफुल अटैक करने के लिए अपने इस्तेमाल करने वाले का जान का सौदा करना पड़ता है। अगर कोई एनिमे में सबसे ज्यादा डेडली आइटम का तलाश कर रहा है तो डेथ नोट से ज्यादा डेडली आइकॉनिक आइटम ढूंढना नामुमकिन है। जबकि अपने आप में एक डेथ नोट स्वाभाविक रूप से एक हथियार नहीं है, जिस तरह से लाइट यागामी डेथ नोट को इस्तेमाल करने में सक्षम हुआ था, जिससे एक डेथ नोट सही मायने में एक स्ट्रॉन्ग वेपन बन के सामने आया है। अगर इस डेथ नोट के पेज में कोई किसी का नाम लिखा है और लिखने वाले के दिमाग में उस आदमी का चेहरा है,
तो वह आदमी मर जाएगा 30 सेकंड के अंदर हार्ट अटैक में। राइटर डेथ नोट को और भी स्पेसिफिक करके लोगों को मार सकता है टाइम प्लेस और मारने के तारीख देकर। एक बार नाम लिख जाने के बाद इस नोटबुक में जिस तरह से बम आदमी मारेगा बताया जाएगा वैसे करके वो आदमी मारता है। जबकि डेथ नोट के अंदर बहुत सारे रूल्स लिखा है। एक इंटेलिजेंट आदमी उन रूल्स के आसपास काम कर सकता है यहाँ तक कि उन रूल्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जैसे कि लाइट अपने खोज में इसका इस्तेमाल किया एक नए दुनिया का गॉड बनने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक बात, आपको इनमें से कौन सी वेपन सबसे डेडली लगी या इनमें से कौन सी वेपन आपका मन को छू लिया कमेंट कीजिए। और अगर कुछ पसंद आए तो गरीब के चैनल का एक सब्सक्राइब कर देना।